हेलो फ्रेंड्स, सो ये वीडियो है हमारी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में और मैं ये एक क्लिप के साथ शुरू करती हूँ। पहले आप ये क्लिप देखिए, हम उसके बाद बात करेंगे कि मैं आज किस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। मम्मी, भैया और मैं खेलने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज तुम मुझे किचन में हेल्प करोगी। और मम्मी? कोई मम्मी मम्मी नहीं। क्या कर रहे हो? रहो ना, तुम चले जाओ, नीचे मिल जाएगा तुम्हें खेलने के लिए कोई। या पापा आप जाओ ना इसके साथ। मैं भी जाऊं? नहीं बोला ना। अभी आपने देखा कि जब बच्चे खेलने जाने चाहते हैं, आप मेरे दो बच्चे हैं, अगर बेटा भी है और बेटी भी है और मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं या मम्मी को या पापा को किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो मम्मी उसको कहती है, बेटी को कहती है कि तुम रुक जाओ और भाई को खेलने दिया जाता है। सो यहाँ पे हम एक जेंडर बायस की बात कर रहे हैं कि रोल्स आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। Whosoever is free, जो भी फ्री है वो मम्मी या पापा की हेल्प कर दे। ये ज़रूरी नहीं कि लड़की को ही मम्मी की हेल्प करनी है और लड़का अगर कार में कुछ प्रॉब्लम है या कार में से सामान निकालना है तो सिर्फ लड़का ही कर सकता है, वहाँ पे भी लड़की हेल्प कर सकती है। अगर लड़की को फाइनेंशियल नॉलेज है या उसको टैक्स पे करने की नॉलेज है तो वो भी पापा को हेल्प कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो हम जेंडर में रोल्स असाइन करते हैं वो भी बायस्ड हों। सो हमें आज जो मुझे बात करनी है जेंडर रोल्स के बारे में, वो है पेरेंट्स के साथ बात करेंगे कि जब हम छोटे होते से ही कि वो ऐसे खेलती है, वो ऐसे दिखती है, उसके आईब्रोज, अगर लड़का बहुत सुंदर है तो हम कहते हैं लड़कियों जैसा सुंदर है, और अगर लड़की बहुत एथलेटिक बिल्ट है तो हम कहते हैं कि लड़कों जैसी है। सो शुरू से ही हम बच्चों के अंदर उनकी आइडेंटिटी जो है वो अपनी सोच के हिसाब से बना देते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टन वे बट नॉट द वे दे वॉन्ट टू बिहेव एंड नॉट द वे दे फील फ्रॉम इनसाइड कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। ये हम बचपन से अपनी कहानियों में हमारे किरदार की, एक राजकुमार आएगा और तुम्हें घोड़े पे बिठा के ले जाएगा और तुम्हें मुसीबत से बचाएगा, और राजकुमारी वहाँ कैद से बचाने के लिए एक राजकुमार की ज़रूरत है। नो, वी हैव टू स्टॉप टीचिंग दिस टू आर डॉटर्स। वी हैव टू टीच देम, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, बी इट वट एवर। कोई राजकुमार की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अ कम्प्लीट पर्सन इन हर सेल्फ। एंड हमारे बुक्स में जब हम हर समय, मैं अपनी खुद की एग्जांपल देती हूँ, जब हम एक चाइल्ड को रेफ़र करते हैं पढ़ाते हुए भी, हम लड़के की बातें करते थे, अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने सीबीएसई में बुक्स में गर्ल प्रोटैगनिस्ट की बातें करने लगे हैं, हम एक लड़की के को मद्देनज़र रख के बातें करने लगे हैं। सो ये चीज़ें हमें शुरू से अपनी कहानियों में, अपनी पोएम्स में, अपनी बातों में, अपनी थिंकिंग में चेंज करनी होगी। अगर हम ये सब अंदर से फील करते हैं कि हाँ, जो हम ये कहते हैं और हम रेडी हैं उन सब को अनलर्न करने के लिए। एज सॉक्रेट्स हैज सेड इट, द ग्रेट लीडर्स आर दोज हु आर ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड अनलर्न। सो इफ़ वी आर रेडी टू अनलर्न वट एवर वी हैव बीन टॉट ओवर द ईयर्स कि लड़कियाँ ऐसे बिहेव करती हैं, उन्हें पब्लिकली ऐसे स्माइल करनी चाहिए या शर्माना चाहिए या उन्हें कुकिंग आनी चाहिए, नहीं, जिसको अच्छी लगती है वो कुकिंग कर ले, और अगर लड़की को बाकी के काम आते हैं, बिल्स पे करने आते हैं, ऑनलाइन सब कुछ करना आता है, तो वो कर ले। Depending upon the choice of work, they should be free to choose their work. So parents, as parents, it becomes our responsibility that we assign roles as per their choices. And also, एक और चीज़ जो हमें अपने boys को सिखानी है, learning to accept no. हम कहते हैं कि लड़कियों, जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में ये पढ़े थे sentences, it is boys can go out at night but girls can't because girls safe नहीं है हमारी सोसाइटी में। अगर वो किसी तरह छोटे कपड़े पहन के जाती है या रात को लेट जाती है तो उसे
गलत नज़रों से देखा जाता है और हमें कहते हैं कि बिकॉज़ वो लड़की ने ठीक से बिहेव नहीं किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। नहीं, हमें ये सिखाना है अपने बॉयज़ को, अपने बच्चों को, कि हमें रिस्पेक्ट किसी की इसलिए नहीं करनी कि वो आपकी मम्मी है या वो माँ लगती है या बहन लगती है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, उसकी भी एक आइडेंटिटी है जिसकी एक रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसको भी हक है कि वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहती है और जैसे एक्सप्रेस करना चाहती है वो भी कर सके। और हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना आना चाहिए, हमें वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर। अगर हमें कोई ना कर देता है तो हमें उसे तेज़ाब फेंक कर या उसके साथ बुरा व्यवहार करके बदला नहीं लेना है। इट्स ऑल राइट, वी हैव टू लर्न to get rejected also. It is not possible for us to get accepted even as girls also. It's not that ki sirf ladkiyon ke saath bura hota hai, ladkon ke saath bhi harassment hoti hai. So hame pata hona chahiye ki hamare saath jab ye hota hai hame dusron ki kaise izzat karni hai, unki identity, unki bhavnaon ki qadar kaise karni hai. So right from childhood, right from beginning, if we change our narratives and हम वही कहानियाँ बार बार नहीं सुनाएं तो शायद हमारी सोच बदले। हमें ज़रूरत है सोच बदलने की। We keep talking on a very shallow basis, as James Clear and his book has said in Atomic Habits, कि अगर हमें अपनी habits बदलनी हैं, अगर हमें अपनी सोच बदलनी है तो हमें अंदर से बदलना होगा, तीसरी layer के अंदर तक हमें पहले जो हमारी behavior identity है उसे change करना होगा। किसी भी चीज़ को change करने के लिए पहले उस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सो माँ बाप होने के नाते हमें अपने घर में से ही शुरुआत करनी होगी। उम्मीद है कि हम अपने बच्चों को ये फ्रीडम दे पाएँ कि वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने की इजाज़त हो, हम उन्हें सपोर्ट करें। और कोई भी बच्चा डिप्रेशन का या आइसोलेशन का या हीन भावना का शिकार ना हो, क्योंकि वो उस सांचे में फिट नहीं होता, क्योंकि वो उस स्पेक्ट्रम में हमारे जेंडर बाइनरी में फिट नहीं होता, क्योंकि वो उस तरह से बिहेव नहीं करता या वो उस तरह के हेयर कट नहीं रखता या उस तरह के कपड़े नहीं पहनता या उस तरह से बात नहीं करता, इसलिए वो सोसाइटी में मिस फिट नहीं हो जाए। और हाँ, कभी कभी अब सबके लिए ये मानना काफी डिफिकल्ट होता है कि मुझे भी रोना आता है, के काश मुझे भी अच्छी लग सकती है, और पिंक हम दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है। चिल मा, इट्स जस्ट अ कलर। सास, नॉट द वे यू वर रेज्ड, बट द वे वी वर बोर्न। इक्वल। इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ मैं आज आपको यहीं छोड़ती हूँ। आशा करती हूँ आप अपने विचार मैसेजेस के थ्रू मुझे ज़रूर भेजेंगे। दिस इज़ इंदुपुंज साइनिंग ऑफ।